प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज का मेरा वीडियो जो है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि मैं आज 6 पीस का हेयर एक्सटेंशन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगाना है ये सब आप लोगों को शेयर करूँगी। और आप देख सकते हो मेरे कितने पतले हेयर हैं और मैंने रिव्यू तो पहले ही दे चुकी हूँ। और आज मैं इस वीडियो में लगाना बताऊँगी कि आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो और कैसे कैसे लगा सकते हो। और लगाना तो अच्छे से जो लगाना है वो तो मेरा वीडियो पहले ही बन चुका है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी, आप देख सकते हो। तो आप थोड़ा बाहर का वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि रोड पे ही घर है तो थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रहा है, तो उसको इग्नोर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो पैकेजिंग तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके हो कि मैंने रिव्यू में इसका पैकेजिंग भी दिखाया था कितना अच्छा है, और इसके सारे डिटेल मैंने रिव्यू में दिखा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगी, तो आप देख सकते हो। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने 5 दिखाया था और एक मेरा नीचे गिर गया था, तो मैं आज 6 पीस ही आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हो 3 क्लिप का है ये 1 पीस, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला है ये है 4 क्लिप का, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, नीचे बार बार गिर जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये हेयर एक्सटेंशन। और इसके बाद मैंने 4 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, 4 का क्लिप का दिखा दिया, और ये आप देख सकते हो 3 क्लिप का। तो 3 क्लिप का 2 है और 4 क्लिप का 1 है, टोटल 3 हो गया। और 3 ये वाला है, ये आप देख सकते हो 2 क्लिप का 3 पीस है, तो टोटल मिला के 6 पीस आपका है। मैंने नीचे एक रख दिया और ये आप देख सकते हो 2 2 क्लिप का है, तो टोटल 6 पीस आप अच्छे से देख सकते हो। और इसके बाद इसको लगाना कैसा है, तो ये 2 क्लिप्स वाले जो है ना, आप साइड में 2 लगा ले और पीछे 1 लगा ले, इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। अगर नहीं लगा सकते हो तो मैं इसका भी बाद में सबसे लास्ट में इसका कहाँ लगाना है आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप लगा सकते हो दोनों साइड और 1 पीछे, इस तरह से लगा सकते हो। और उसके बाद आप देखो यहाँ सेक्शन करना है, ये देख सकते हो आपने। अगर मेरा सेक्शन कैसे करना है कैसे नहीं करना नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो है उसमें देख सकते हो किस तरह से आपको करना है, कैसे सेट करना है, लिंक मैं नीचे दे दूंगी। तो इस तरह से सेक्शन बनाकर अब मैं कॉम कर लूँगी अच्छे से। अगर हेयर एक्सटेंशन आप लगाते हो ना तो हेयर को हमेशा वॉश कर ले, नहीं तो क्या होगा, हम हेयर को बांधते हैं कुछ करते हैं तो पूरा स्ट्रेट नहीं रहता है हेयर। तो इस तरह से हमने सेक्शन कर लिया है और साइड में हम जो 3 क्लिप वाले हैं ना उसी को लगाएंगे, 2 क्लिप वाले नहीं लगाएंगे। आप चाहो तो इस तरह से 2 क्लिप वाले भी लगा सकते हो। तो ये अब मैंने 3 क्लिप्स वाले इस तरह से साइड में लगा दिया है ताकि मेरा जो पूरा एरिया है ना कवर हो सके। आपका अगर हेयर थोड़ा सा छोटा है तो आप 2 पीस वाले भी लगा सकते हो 2 क्लिप वाले, और अगर आप थोड़ा हैवी हेयर करना चाहते हो तो इस तरह से आप 3 क्लिप वाले लगा सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एक्सटेंशन लगाया है और कितना हेयर के संग ही मैच हो रहा है, अलग बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो अब मैं दूसरा वाला भी इस तरह से लगा के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ लगाना है और कैसे कैसे लगाना है। इसका डिटेल में मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है, कैसे लगाना है हेयर क्लिप को, कैसे छुपाना है, तो आप सारे वीडियो सर्च करके देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, आपको हेयर एक्सटेंशन की पूरी जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम 3 क्लिप को अच्छे से सेट करना है। और अगर इस तरह से भी आप नहीं लगा सकते हो तो मैंने इसके ऊपर और भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं कि अगर आपका क्लिप खिसक जा रहा है तो उसके नीचे आप क्या कर सकते हो ताकि आपके जो टिक टॉक क्लिप है खिसके नहीं है, आपके हेयर भी नहीं इधर से उधर होगा, वो भी वीडियो है। तो आप नीचे सर्च करके ज़रूर देखें उन वीडियो को भी, और हेयर क्लिप भी आपका छुपा रहेगा। इस तरह का भी वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। और इस तरह से हेयर को खोलकर अब मैं कॉम कर लूँगी, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल मैच हो चुका है हेयर के संग। अगर आपका लगता है कि आपके हेयर ब्लैक है और मेरा हेयर एक्सटेंशन थोड़ा सा कलर अलग है तो आप कलर कर सकते हो अपने हेयर का, अपने हेयर एक्सटेंशन के कलर का। और ये आप देख सकते हो मेरा हेयर कितना लॉन्ग हो चुका है और कितना बाउंसी भी हो चुका है। तो उसके बाद अब मैं लगाऊंगी 4 पीस वाला हेयर एक्सटेंशन, ये आप देख सकते हो कहाँ लगाना है पीछे। आप सेक्शन बना ले, सेक्शन अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाना है मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो हेयर एक्सटेंशन कैसे लगाना है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा किस तरह से सेक्शन बनाना है। और इस तरह से 4 क्लिप को अच्छे से इस तरह से सेट कर देंगे, ये आप देख सकते हो सेट
आप टिकटैप क्लिप को जो है ना अच्छे से सेट करें, नहीं तो क्या होगा नीचे गिर जाएगा। अगर आप चाहो कि आपको लगता है कि ये गिरने वाला है तो आप हेयर पिन भी इसमें लगा सकते हो ताकि नीचे नहीं गिरेगा। और हेयर आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा हेयर लग रहा है। और इस तरह से ऊपर से हेयर को हम खोल देंगे ताकि टिप टैप क्लिप अच्छे से ना दिखे, और थोड़ा सा कॉम करेंगे हेयर को और आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरा असली हेयर कहाँ है और हेयर एक्सटेंशन कहाँ है, बिल्कुल मैच हो जाएगा। और देखने में भी कितना अच्छा और कितना बाउंसी लग रहा है, ऐसे लग रहा है असली हेयर है मेरा। और मैं अब कॉम करने के बाद सामने भी आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। ये आप देखो कितना लॉन्ग हेयर है और कितना सॉफ्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह से आप हेयर स्टाइल भी कर सकते हो, हेयर एक्सटेंशन लगाकर हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, लिंक में जाके आप देख पाओगे कि हेयर एक्सटेंशन लगा के किस तरह से हेयर स्टाइल आप कर सकते हो, वो भी वीडियो इसमें है, आप सर्च करके ज़रूर देखिए। तो ये आप देख सकते हो हेयर कितना हैवी लगाना चाहिए, थोड़ा पतला है तो आप और भी लगा सकते हो। ये थ्री पीस अब आपको कहाँ लगाना है ये आपको दिखाते हैं। ये थ्री पीस है तो आप इसको थ्री पीस को पहले ही लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप बाद में लगा सकते हो। मैंने बाद में इसलिए लगाया है ताकि अगर आपको लगता हो कि मुझे बाद में लगाना चाहिए तो आप इसको बाद में लगा सकते हो। कैसे लगाना है ये देख सकते हो, हम बिल्कुल कान के नीचे जाएंगे इस तरह से। आप इसको पहले भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। टिप टैप क्लिप को हम सबसे पहले खोल देंगे और इसको बाल हेयर को थोड़ा ऊपर करेंगे और जहाँ पर कान है ना, कान के बिल्कुल ऊपर इस तरह से लगा लेंगे, सेट कर लेंगे इस तरह से टिप टैप क्लिप को। ये आप देखो बहुत आसान है, कहीं से भी ये गिरेगा नहीं, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ और वीडियो में, और नेचुरल ही लगेगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेट हो गया तुरंत। और इसको भी हम इस इधर से लगा लेंगे। अगर आप पहले से कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप बाद में भी लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है हेयर और ज़्यादा बाउंसी बनाने की तो आप इसको लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इस तरह से लगा लेंगे और हेयर इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हमने हमारा असली ही हेयर हेयर है सॉरी। और उसके बाद आप पार्टी शादी कहीं पर हेयर को खोल के जा सकते हो और आपका नेचुरल हेयर ही लगेगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल आपका जो हेयर है ना, नहीं लग रहा है कि हेयर एक्सटेंशन है। और उसके बाद हम थ्री वाला जो पीस टू वाला क्लिप जो लास्ट वाला है उसी को हम लगाएंगे पीछे इस तरह से, हेयर को ऊपर कर लेंगे और टू क्लिप वाला इस तरह से लगा देंगे। ये आप देखो वाओ, ये इस तरह से लगा लेना है आपको। मैंने सिक्स पीस लगा लिया है, आपने देखा कितनी आसानी से हमने सिक्स पीस हेयर एक्सटेंशन को लगाया है। और हेयर आप देख सकते हो कितना बाउंसी हेयर है और कितना सॉफ्ट हेयर है, और लग रहा है कि हम पार्लर से अभी अपने हेयर को अच्छे से वॉश करके आए हैं और स्ट्रेट करके आए हैं। ये आप देख सकते हो कैटरीन वगैरह जो भी पार्लर में करते हैं वही करा के आए हैं। तो आप इस तरह से पार्लर में ना जाकर इस तरह से अपने हेयर को थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हो। मेरा हेयर आप देख सकते हो कितना पतला है और इसमें मैच भी हो गया है। आप चाहो कलर कर सकते हो और नहीं लग रहा है कि मैंने हेयर एक्सटेंशन लगाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।